एक सेकेंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा एक स्टूडेंट है जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर का क्लासेस कर रहे हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो अभी सॉफ्टवेयर का क्लासेस क्या क्या कर चुके हैं। आइए, वो अभी सॉफ्टवेयर का क्लासेस में क्या क्या चीज़ सीखे हैं और कितना स्टेप तक उनसे हो गया है, तो आप बताएंगे जी आपका सॉफ्टवेयर का क्लासेस में अभी आप क्या क्या चीज़ों को जान पाए। जैसे कि एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर को चढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सा टूल्स का ज़रूरत पड़ता है? पहले तो सर, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए टूल्स का ज़रूरत यह पड़ेगा सर। हाँ, कि अगर मान ली हमारा फ़ोन में अगर सीपीयू, अगर इसमें इसको हम पहले तो सीपीयू को जानेंगे कि कौन सा सीपीयू लगा इस हुआ फोन में, कौन सा सीपीयू लगा हुआ पहले जानना पड़ेगा, है ना? जानना पड़ेगा सर। अब जानने के बाद एक सेकेंड, अब इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है वो कैसे जानेंगे? इसमें सर अपना फ़ोन से या अपना लैपटॉप से इसका मॉडल जान करके उसका मॉडल सीपीयू, जब मान ली MI5A का है, MI5A लिखना है और सीपीयू टाइप करके सर्च करेंगे, वो जो रहेगा अपना उसका वो सीपीयू वहाँ पे लिख के आ जाएगा। मान ली कॉलकॉम रहेगा या स्प्रेडम रहेगा, वो वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे अपलाते हैं। एग्जांपल में सर देखिए, गूगल को खोलिए एक मिनट सर। अच्छा, मोबाइल में दिखाएंगे? अपना मोबाइल में दिखा देते सर। चलिए, कौन सा? हीरो स्प्लेंडर मेरा। अच्छा, आपका है? जैसे सर हम देखिए अपना सर्च मार्क रखे हैं, हाँ, कि दो जियो का फ्लैश फाइल 220 सीपीयू टाइप, ये हम आप यहाँ लिखे जियो ऐप 220 सीपीयू टाइप। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर, यहाँ लिख कर क्या रहा, हाँ, स्प्रीडम। चलिए एक और टैप करके दूसरा दिखाइए, तो रेडमी MI5 सीपीयू टाइप देखिए क्या दिखा रहा है। MI5 और इसमें सीपीयू टाइप आ गया। अब हाँ, इसमें हम क्लिक करेंगे। हाँ, तो इसमें इसमें सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर इसमें। हाँ, क्या देखिए देखिए। हाँ सर, देखिए सामने देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा सा लगा ये फाइल थोड़ा सा दूसरा टाइप का खुला। हाँ, इसमें यहाँ पे सामने में देखिए ऑक्टा कोर कॉलकॉम लिख रहा है, कॉलकॉम मतलब कॉलकॉम सीपीयू में लगा हुआ है, कॉलकॉम सीपीयू लगा हुआ एक्सप्रीडम का। हाँ, और इसमें कॉलकॉम एक्सप्रीडम का इसमें सपोर्ट करेगा टूल्स, हमारा टूल सपोर्ट करेगा ना। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में आप कौन सा यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे तभी वो फोन हमारा कनेक्ट होगा। USB ड्राइवर सर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप डाउनलोड करके रखे हैं ना, हमारा सर देखिए कॉलकॉम का है। हाँ, ठीक है। हाँ, इससे हमारा ये कनेक्ट करेगा, हम जब कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट ले लेगा सर। मतलब आप ये सिस्टम में इंस्टॉल करके रखे हैं? हाँ सर, इंस्टॉल करके रखे। इंस्टॉल कैसे करते हैं एक बार करके दिखाइए। नहीं, इंस्टॉल उस पर डबल क्लिक करके कैसे इंस्टॉल करते हैं सर? हाँ देखिए, पहले तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलकॉम ड्राइवर आएंगे, ठीक है। फिर हाँ, कॉलकॉम USB ड्राइवर दिख रहा है इसमें आकर के, उसके बाद फिर इसको यस करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस में अभी है। हाँ, यहाँ पर आपका देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। हो गया मेरा, ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, ये कॉलकॉम USB ड्राइवर इस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है। अब फिनिश हो गया है ना, फिनिश कर दिए, ये हमारा काम हो गया सर। ठीक है, मतलब इंस्टॉल करने का प्रोसेस ये है। हाँ सर, ये इंस्टॉल जब तक आपका सिस्टम में नहीं होगा तब तक हमारा फोन कनेक्ट नहीं होगा सर, नहीं होगा, है ना, ये जरूरी है जी सर। ठीक है, मतलब और ये जो USB ड्राइवर है ये डाउनलोड करने के लिए आप सीखें। हाँ सर, उस USB ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सीखें, फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए सीखें। हाँ सर, अभी आप कौन कौन सा मॉडल का फ्लैश फाइल को डाउनलोड में लगाए थे ताकि प्रैक्टिस करने के लिए कि हमसे फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए सर, पहले तो हम ये सारा जितना हमारा देखिए डाउनलोड हो रही है सर। अच्छा, वो अभी डाउनलोड हो ही रहा है। ये देखिए F320 मॉडल का ये भी हमारा हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया है ना। हो गया, हो गया। चलिए, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन ये हो जाएगा धीरे धीरे से। मतलब कैसे डाउनलोड करना है वो समझ गए सर। आप वीवो का फोन को भी डाउनलोड में लगाए थे, क्या लिखा है? वीवो Y83 का, ये हम हटा दिए थे इसलिए कट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। हाँ ठीक है, क्लिक करेंगे तो मतलब इसको आप डाउनलोड में लगाए थे, है ना। ये ओप्पो Y83 81 का मेरा होने लगा। अच्छा, होने लगा, कार्ड ही कैंसिल कीजिए, इंटरनेट खत्म होता है ना।
चलिए, मतलब अभी आप कुछ मॉडल का फ्लैशिंग फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं, खोजते कैसे हैं, इस चीज़ों को जाने जी, है ना। हाँ, कल आपको ये सीखना है कि इसमें फ्लैशिंग कैसे करते हैं, है ना जी सर। मतलब यूएसबी ड्राइवर को सीख चुके हैं और फ्लैशिंग फाइल को कैसे डाउनलोड करना है वो चीज़ों को सीख चुके हैं जी सर। यदि भविष्य में कन्फ्यूजन होता है तो ये सब चीज़ क्या है, प्रैक्टिस करते रहना है ना जी सर। क्योंकि ये कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कन्फ्यूजन बीच बीच में होता है, ठीक है।